दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या फ्रेंड्स आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है, तो आपके एडसेंस अकाउंट के ईमेल आईडी पे कुछ इस तरीके का एक मेल आया होगा। और इस मेल को देखने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स डर गए हैं, घबरा गए हैं कि भाई मेरे पास यह मेल क्यों आया है, क्या अपडेट गूगल एड्स के तरफ से किया जा रहा है, कहीं मेरा यूट्यूब चैनल तो डीमोनेटाइज तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है या मोनेटाइज नहीं है, इस अपडेट की वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट यूट्यूब की तरफ से यानी गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से किया जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इस अपडेट को आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आप अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग नहीं कर सकते, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, या फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो अपडेट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलिए मैं डिटेल्स में बताता हूं कि ये अपडेट क्यों किया गया है और क्या किया गया है, और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने भी अपना मेल ओपन किया तो मेरे भी मेल आईडी पे इस तरीके का एक मेल आया। मैं हेडलाइन पढ़ के बता दे रहा हूं, यहां पे लिखा है गूगल एड्स अपडेट टू इन्फोर्समेंट प्रोसीड्योर्स टू रिपीटेटेड वायलेंस। यानी फ्रेंड्स, जो ये अपडेट है ना गूगल एड्स के तरफ से किया जा रहा है गूगल एडसेंस अकाउंट में, ताकि फ्रेंड्स जो रिपीटेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, जो एक ही कंटेंट को बार बार अपलोड करते हैं, उसके लिए किया जा रहा है। और खास करके दोस्तों, यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका गूगल कस्टमर आईडी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या चीज़ें लिखा हुआ है ध्यान से देखना। मैं इसको पढ़ के फटाफट से आपको इंग्लिश में लिखा, इसको पढ़ के आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन जून 2022 गूगल विल अपडेट द इन्फोर्समेंट प्रोसीड्यूर्स फॉर रिपीट वायलेशंस, ठीक है, विथ द एडिशन ऑफ 9 मोर पॉलिसीज इन द स्कोप ऑफ द स्ट्राइक बेस सिस्टम। गूगल विल बिगेन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्राइक बेस्ड सिस्टम ऑफ जून 21, 2022, यानी 21 जून 2022, विथ ए ग्रेजुअल रैंप अप ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months ऑफ फॉर द फॉलोइंग पॉलिसीज। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अपडेट है जो कि 21 जून 2022 से सभी यूट्यूबर्स के चैनल पे लागू कर दिया जाएगा। और वो जो अपडेट है ना, गूगल का जो एड्स है यानी स्ट्राइक बेस में पॉलिसी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिखा हुआ है कि जो स्ट्राइक बेस पॉलिसी होती है, जो कम्युनिटी गाइडलाइन एक तरीके से पॉलिसी होती है, उसमें हम लोग 9 और चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, और इन 9 चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। यानी इन 9 तो जो पॉलिसी यहाँ पे ऐड की गई है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 9 पॉलिसीज को ऐड किया गया है। अब चलिए मैं सारी पॉलिसीज के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चैनल पे इसका क्या इफेक्ट करेगा अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ पहली पॉलिसी है कंपनसेटेड सेक्सुअल एक्ट। यानी फ्रेंड्स, आप कोई ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं अपलोड करना है, नहीं बताना है, जो कि 18 प्लस का कंटेंट हो, जो कि सेक्सुअल कंटेंट हो। बाद बाकी आप समझदार हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। यानी 18 प्लस का कोई भी कंटेंट आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड नहीं करना है अब से। इसके बाद है मेल ऑर्डर ब्राइड्स। मेल ऑर्डर ब्राइड का मतलब दोस्तों, एक तरीके से ये भी एक तरीके से सेक्सुअल कंटेंट भी आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स, मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता, आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं आपको कह दूँ, जैसे कि कॉल गर्ल होते हैं, कॉल बॉय होते हैं, जो मेल ऑर्डर सर्विस होते हैं, कॉल गर्ल ऑर्डर सर्विस होते हैं, इस तरीके के भी कोई भी आपको वीडियो नहीं बतानी है, कोई भी नंबर वगैरह शेयर नहीं करना है कि इस जगह पे ये चीज़ डील की जाती है। अगर आप करते होंगे तो इसको बंद कर देना, वरना आपको स्ट्राइक मिल सकती है। इसके अलावा है क्लिकबेट। क्लिकबेट दोस्तों आज के टाइम पर सभी यूट्यूबर्स करते हैं यूट्यूब वीडियो पर व्यूज पाने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्लिकबेट चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिकबेट नहीं चलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप बता रहे हैं 1 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करें, ये होता है क्लिकबेट। तो इस तरीके की अब आपको कोई भी क्लिकबेट नहीं करना है, थोड़ा बहुत क्लिकबेट चल जाता है, लेकिन ज़्यादा क्लिकबेट अब आपको नहीं करना है। क्लिकबेट कहीं भी हो सकता है, थंबनेल टाइटल में भी हो सकता है, लेकिन अब क्लिकबेट ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मिसलीडिंग एंड एड डिजाइन। जैसे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ना मिसलीडिंग करते हैं, जैसे कि मिसलीडिंग मेटा डाटा, मिसलीडिंग जो एक पॉलिसी होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि मिसलीडिंग फ्रेंड्स आपके थंबनेल में भी हो सकती है, आपके वीडियो के टाइटल में भी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन में हो सकती है, टैग में हो सकती है। जैसे फ्रेंड्स, आपकी वीडियो किसी और टॉपिक पे होती है,
आप बड़े किसी एक्टर एक्ट्रेस का सेलिब्रिटी का फोटो अपने थंबनेल में लगाते हैं, या फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आपके वीडियो किसी और टॉपिक पे है, आप किसी और वीडियो का टाइटल लिख रहे हैं, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं गोवा घूमने कैसे जाएं और वीडियो का टाइटल लिख रहे हैं हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, यानी आप अगेंस्ट काम करें, आपका टाइटल कुछ और है वीडियो कुछ और है, या आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स डालते हैं जैसे हैशटैग 15 से ज़्यादा लगाते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स डाल रहे हैं कोमा लगा के, या बड़े यूट्यूबर्स का नाम डाल रहे हैं जो कि आपके रिलेटेड है ही नहीं, तो उसको बोला जाता है मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग की पॉलिसी को यहाँ पे और ज़्यादा ऐड किया गया है मिसलीडिंग ऐड डिजाइन को लेकर के, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के आपको काम करना है, वरना स्ट्राइक आपको मिल सकती है। इसके अलावा है बेल बॉन्ड सर्विस, जैसे फ्रेंड्स जमानत की बातें जो की जाती है ना कि जमानत कैसे कराएं, दुनिया भर की अगर आप कोई फेक वीडियो बना देते हैं या इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं तो भी फ्रेंड्स आपके चैनल पे स्ट्राइक देखने को मिल सकती है, यानी फेक वीडियो गलत जानकारी आपको शेयर नहीं करना, अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा है कॉल डायरेक्शंस फॉरवर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग सर्विस, जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं ना कि जो कि गर्ल्स होते हैं बॉयज होते हैं जो कि किसी के पर्सनल डिटेल्स की कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, कॉल को फॉरवर्ड करते हैं या उसकी कॉल को रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं, बताते हैं देखो रात को लोग कैसे गर्ल्स और बॉयज बातें कर रहे हैं, यानी किसी के भी पर्सनल बातों को आप रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं या किसी और जगह आप उस कॉल को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियो अब आपको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना है। अगर आपने अपलोड किया भी होगा तो उसको मैं तो यही कहूँगा आप उसको प्राइवेट कर देना या डिलीट करना, वरना आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक मिल सकती है। और यह स्ट्राइक कितनी खतरनाक होगी अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे है क्रेडिट रिपेयर सर्विस, जैसे फ्रेंड्स रीढ़ वाली जो मरम्मत की सर्विस होती है ना, इस तरीके की आपको यह काम नहीं करना है। जैसे फ्रेंड्स उधारी का जो पैसे होते हैं या कुछ भी कैसे वसूलें, तो कुछ भी है क्रेडिट रिलेटेड जो रीढ़ रिलेटेड है, ये ऐसी वीडियो अब आपको नहीं अपलोड करनी जो कि गलत हो, ठीक है। और यहाँ पे है बाइनरी ऑप्शन, बाइनरी ऑप्शन मतलब दोस्तों बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो होती है जो लोग बताते हैं कि आपको एक घंटे में लाखों करोड़ों रुपये कैसे कमाएं इस ऐप से या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, इस ऐप से या VPN के थ्रू, तो ऐसी वीडियो अब आपको नहीं बनानी है वरना आपको स्ट्राइक मिल सकती है। इसके अलावा लास्ट में है पर्सनल लोन, यानी फ्रेंड्स व्यक्तिगत जो ऋण होते हैं जो लोन होते हैं, इस टाइप की वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा बनती है। और वीडियो का मतलब यह कि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना पर्सनल लोन का झांका देकर के, यानी गलत जानकारी देकर लोगों की पर्सनल डिटेल्स को ले लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड को ले लेते हैं, उनके नाम से लोन निकाल लेते हैं और बहुत सारी उनकी प्राइवेसी को लीक कर देते हैं। तो पर्सनल लोन की अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो फ्रेंड्स तब भी आपको स्ट्राइक मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्सनल लोन के बारे में आपको वीडियो नहीं बनानी, हाँ बनानी है लेकिन सही जानकारी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पर्सनल लोन के रिलेटेड कोई भी फेक जानकारी हो जो कि लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचाती है या उनका हानि होती है धन संपत्ति का, तो ऐसे कोई भी वीडियो अब आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पे दोस्तों 9 पॉलिसी को ऐड किया गया स्ट्राइक बेसिस पॉलिसी में, ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लर्न मोर अबाउट द इन्फोर्समेंट प्रोसीड्यूर फॉर रिपीटेटेड वायलेंस। इस पॉलिसी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी एक्स्ट्रा जो पॉलिसी है यानी डिटेल में जो भी पॉलिसी है उसको आप चाहें तो आसानी से क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके का अपडेट यूट्यूब की तरफ से किया जा रहा है गूगल एड्स की तरफ से। अब दोस्तों मेन पॉइंट की बात करते हैं ना, क्यों आपका चैनल पे अर्निंग नहीं होगी, क्यों आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है और क्यों आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल पे एक स्ट्राइक 3 महीने के लिए होती है, लेकिन यह जो स्ट्राइक आपको मिलेगी ना, जहां तक मैं श्योर हूं कि 99% ये आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलेगी। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब खुद देता है और यूट्यूब आपके चैनल को बीच बीच में चेक भी करेगा, अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलेगी। और हाँ दोस्तों, इस कम्युनिटी गाइडलाइंस की खासियत जो भी है स्ट्राइक की, एक है कि यह आपके चैनल पे अगर 90 दिन के अंदर एक स्ट्राइक मिलेगी, ध्यान से सुनना, 90 दिन के अंदर आपके चैनल पे यानी 3 महीने के अंदर एक स्ट्राइक मिलेगी, तो इसमें सबसे बड़ा आपको नुकसान ये होगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो 3 दिन के लिए आपके YouTube के वीडियो पे एड्स आना बंद कर दिए जाएंगे, यानी एड्स दिखाना बंद किया जाएंगे, समझ गए दोस्तों। यानी अगर एक स्ट्राइक आपके YouTube के चैनल पे इन पॉलिसी को अगर वायलेट करते हैं और आपके चैनल पे एक स्ट्राइक आ जाती है तो आपके चैनल मोनेटाइज है या आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है तो आपके जो वीडियो है उस पर 3 दिन के लिए एड्स दिखाना बंद कर दिए जाएंगे। और अगर 90 दिन के अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर 2 स्ट्राइक आ जाती है तो 7 दिन के लिए आपके यूट्यूब के चैनल पर एड्स दिखाना बंद कर दिए जाएंगे, जो कि इस पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आपके YouTube के चैनल पे आ जाती है तो आपके वीडियो पे एड्स ही दिखाना बंद किए जा सकते हैं, या आपका YouTube चैनल को डीमोनेटाइज भी किया जा सकता है, या आपका चैनल को टेम्पररी
90 दिन के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है, यानी टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके का अपडेट है जो कि गूगल एड्स की तरफ से किया गया है। लेकिन लास्ट में दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक ही चीज करना चाहूंगा कि अगर आप सही से काम करते हैं, यूट्यूब की हर पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब की रूल्स को, यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे YouTube के चैनल पे हमेशा जेन्युइन कंटेंट और सही जानकारी वाली वीडियो आपको देखने को मिलती है, और YouTube के हर अपडेट की वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।